गुड मॉर्निंग क्लास अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज दिव्यांजु पांडे फैकल्टी ऑफ जी के इस मंथली डिफेंस क्लास में आप सभी डिफेंस वॉरियर्स का वेलकम है लगातार आप सभी क्लास से जुड़ते जाएं जिससे कि हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आज के इस क्लास पे कवर कर सके चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ तो क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने पिछली क्लास में आपको दिया था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्स इस फोर्स को यानी कि दो यहां पर आपके अः दिख रहे हैं ये किस किस सेना की बिलोंग करते हैं ये चीज आपको बतानी है लगातार आप सभी अपना आंसर देते जाइए तो आप सभी के यहां पर आंसर्स आ गए हैं एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द डे इज पैरा एस एफ एंड किर्गिस्तान स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर ये हमारी इंडियन आर्मी है और यहाँ पर आपके किर्गिस्तान की पैरा एस एफ है चलिए अब मेरा क्वेश्चन ये रहा कि इंडियन आर्मी और किर्गिस्तान की के साथ हमारी कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल कंडक्ट होती है सभी को अपने आंसर बताने हैं और यहाँ पर आयरन टैंक का आंसर भी आपका आ गया है ओमकार वेरी गुड तो एक्सरसाइज खंजर जी हाँ एक्सरसाइज खंजर भारत की इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बीच आपकी कंडक्ट करवाई जाती है वेरी गुड अब ध्यान में बात ये आप रखिए कि आज की आपकी क्लास मंथली करंट की क्लास है ठीक है और जो कंटेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा उसको सुनते जाइए और जो है जहाँ कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चंस हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा शुरुआत करते हैं क्लास की अपने पहले इवेंट के साथ सो फर्स्ट इवेंट ऑफ दिस क्लास इज पासिंग आउट परेड फर्स्ट बैच ऑफ परेड आपकी ट्वेंटी एथ मार्च के सनसेट में जो है कंडक्ट हुई जहां पर इस परेड को आईनेस चिल्का उड़ीसा में आपका कमेंट्स किया गया और इस परेड में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार आपके चीफ गेस्ट रहे जहां पर उन्होंने इस परेड का निरीक्षण किया हुआ है साथ ही साथ इसमें टोटल 2585 अग्निवीर्स को जो है पास आउट करवाया गया जिसमें 272 आपकी विमेन अग्निवीर सोल्जर्स आपकी शामिल थी और इस आपके मौके पर सदर नेवल कमांड के वाइस एडमिरल एम ए हम्पी होली भी आपके इस परेड में शामिल थे अगर जो भी आपका सेलर बनना चाहता है तो उसको 16 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग दी जाती है आइनस चिल्का में और राइग्रस काफ़ी नेवल ट्रेनिंग होती है हम सभी जानते हैं जिससे कि वो कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल कोहेजिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स बन सके और इस पीओपी की सबसे खास बात ये रही है कि खुशी पठानिया ने जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी इस बार जीती है वो भी बेस्ट अग्निवीर के लिस्ट में तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जनरल विपिन रावत ट्रॉफी बेस्ट अग्निवीर किसने जीती तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि खुशी पठानिया ने जीती ये 19 वर्षीय हैं जो कि पठानकोट से आती हैं इनके पिताजी भी इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर हैं और ठीक है ये ग्रैंड डॉटर हैं आपकी सुबेदार मेजर के इनके पिताजी फार्मर हैं और ही ऑप्टेड फॉर एविएशन ब्रांच इन इंडियन नेवी तो देखिए एक अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी जो हमारा अगला इवेंट है वो एस टी टी फोर्टी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और कैडेट ट्रेनिंग शिप से रिलेटेड है तो देखिए अभी हाल ही में सेवेंथ मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो के साथ दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं जिनमें पहला कॉन्ट्रैक्ट सत्तर एस टी टी फोर्टी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने का है और दूसरा तीन कैडेट ट्रेनिंग शिप्स बनाने का है ठीक है और ये दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्ट हैं भारतीय कंपनियों ने आपका लिया हुआ है और अगर हम बात करें जो 70 एस टी टी ट्रेनर एयरक्राफ्ट आएंगे उनकी टोटल कॉस्ट 6800 हंड्रेड करोड़ रुपीस रहेगी जिसको हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही आपका मैन्युफैक्चर किया जाएगा साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं आपके तीन जो हमारी कैडेट ट्रेनिंग शिप बन रही हैं, उनकी टोटल कॉस्ट थर्टी हंड्रेड करोड़ रुपीज आएगी जिसको इंडिजिशली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी के, के तहत लार्सन एंड टूब्रो जो कि भारत की कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाएगा ये जो आपके कैडेट ट्रेनिंग शिप्स रहेंगे उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि ये शिप्स आपके फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए बनाए जाएंगे जिसमें इंडियन नेवी के सोल्जर्स ऑफिसर्स साथ ही साथ जो हमारे फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके भी सोल्जर्स इस आपके उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे ठीक है चलिए और लार्सन टूब्रो हम सभी जानते हैं कि ये शिपयार्ड चेन्नई कठपुल्ली में अवस्थित है जिसके द्वारा जो है इन आपके ट्रेनिंग शिप्स को आपका बनाया जाएगा तो एक नई पहल है काफी अच्छी बात है सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों और जितने भी हमारे कैडेट्स जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स आप सभी क्लास में हैं वो सभी क्लास को लाइक और शेयर भी देते जाएं। अगला इवेंट हमारा एक्सरसाइज एक्सरसाइजी थ्री से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज को आपका फेब से लेकर सेकेंड मार्च तक आपका जापान के कोमासू में कंडक्ट किया गया जहां पर इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ आपके पार्टिसिपेट की और इसी बीच इसी एक्सरसाइज में आपका दो दिन के लिए एक्सरसाइज धर्म गार्डियन भी दोनों देशों के मिलिट्रीज के बीच में जापान में ही आपका कंडक्ट करवाई गई हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमारा एक सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट ने इस आपके एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जो कि फर्स्ट और सेकंड मार्च में आपकी चली थी और इसी में जो है आपका दो एक्सरसाइज धर्म गार्डियन और शिवनी मैत्री दोनों को ही आपका वैलिडेट करवाया गया है ठीक है नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है लेफ्टिनेंट तो जनरल अब कौन बन गया है आपके लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार बन गए हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू को रिप्लेस किया है जिन्होंने अब जयपुर बेस्ड शब्द शक्ति कमांड की जो है पदभार उन्होंने संभाल लिया है तो एक बड़ी आपकी अपॉइंटमेंट थी अगला आपका जो इवेंट है इंडियन आर्मी के एडवांस से संबंधित है तो देखिए इंडियन आर्मी टू बाय 307 होविजर फॉर डिप्लॉयमेंट अलोंग चाइना पाक बॉर्डर तो देखिए ये जो आपका एटीए जीएस सिस्टम है इसको अब टोटल 307 ऐसे होविजर गन्स जो है इंडियन आर्मी बाय करेगी और इसको एलएसी और एलओसी दोनों ही जगह आपका डिप्लॉय किया जाएगा अब क्वेश्चन यह आता कि अगर हम तीन ऐसे गन्स खरीद रहे हैं यानी कि भारत में ही बनेंगे ओके तो टोटल कितनी कॉस्ट आएगी तो इसकी वन बिलियन यूएस डॉलर आएगी ठीक है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पर को जो है इनकी जो है भेजा गया है ड्राफ्ट और जल्द ही वो इसको अप्रूव भी करेंगी अगर हम इस गन की स्पेसिफिकेशंस देख लें तो देखिए ये 50 किलोमीटर तक आपकी वार करने में सक्षम है 155 फिफ्टी फाइव एम एम कैलिबर की आपकी गन है और जिसका सक्सेसफुल ट्रायल पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से आपका किया गया था नेक्स्ट इवेंट 60 एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सुपर सोनिक्स तो देखिए मिक 21 वन बाइसन नाम तो आप जानते ही होंगे 2019 में जो कि आपका पठानकोट के बाद सर्जिकल स्ट्राइक आपकी हुई थी जो अभिनंदन विमान चला रहे थे वो मिक ट्वेंटी वन को ही चला रहे थे तो 1963 में मिग ट्वेंटी वन के स्क्वाडन का आपका इंडक्शन किया गया था और वो भारतीय वायुसेना की पहली सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की इन्वेंट्री थी और अब उसको जो है साठ साल पूरे हो चुके हैं उन्नीस से 2023 हजार तो आप देखो तो आपके 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इन्होंने अपनी सिक्सटी एनिवर्सरी आपकी मनाई है इस स्क्वाडन का नाम नंबर फर्स्ट सुपरसोनिक्स है और इसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल वी आर चौधरी ने भी आपका सर्व इसमें किया हुआ है और इस एनिवर्सरी में जो है इन्होंने अपने जितने भी बचे हुए एयरक्राफ्ट हैं उसको जो है आ, उसकी एनिवर्सरी मनाई है साथ ही साथ न्यूज तो आपकी मैंने पहले ही आपको पढ़ाई हुई है कि आने वाले तीन चार सालों में 2025-26 तक जितने हमारे बचे हुए मिग ट्वेंटी वन एयरक्राफ्ट उनको जो है रिटायर्ड करवा दिया जाएगा चलिए अगला इवेंट मेरे ख्याल से आप सभी इस पिक्चर को देख कर समझ गए हो गए टेस्टिंग आउट द जेट बैक सूट तो इंडियन पैरा एस एफ ऑपरेटर ने जो है इंडियन आर्मी के नए एडवांस जेट बैक सूट को जो है टेस्ट किया और हमारी भारतीय थल सेना अराउंड 40 टू 45 जेट पैक्स का प्रपोजल आपका रखने वाली है और हर एक जेट बैक सूट की कीमत आपकी चार से पाँच करोड़ रुपए की रहेगी और 48 जेट पैक सूट को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के अंदर आपका इंडियन कैटेगरी के तहत बाई करने का प्रस्ताव रखा गया है और आप सभी जान रहे हो कि जैसे आपके टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो वैसे वैसे नए नए आपके इंडक्शंस होते जाएंगे काफी भारी आपका ये सूट हुआ करता है और इसीलिए इसको हमारे पैरा को दिया गया क्योंकि वो काफी एडवांस हमारी फोर्स रहती हैं, और वो आसानी से इन सभी इक्विपमेंट्स को आपका कैरी कर पाएंगी और अगर हम इसका रेंज देख लें तो इस सूट को आप पहन के टेन किलोमीटर्स तक आराम से जा सकते हो और ये पचास किलोग्राम आपका वजनी होता है सोच लीजिए अगर कोई इंसान पचास किलोग्राम का है उसको आप इसको दे दो, दो, दो सौ हो गया ठीक है लेकिन ये उड़ता है तो ये अच्छी बात रहती है नेक्स्ट इवेंट हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित है ये एक्सरसाइज का नाम है फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज नाम से ही क्लियर आपको होता होगा कि फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस की आर्मीज के बीच में आपकी कंडक्ट की जाती है तो इस बार इस एक्सरसाइज को इंडिया और फ्रांस की आर्मीज के बीच पैंगोडी मिलिट्री स्टेशन में आपका कंडक्ट किया गया जिसका मेन एम देशों के मिलिट्रीज के बीच में आपका करना था और ये एक्सरसाइज आपके तिरुवंतुपुरम में आपकी कंडक्ट की गई थी तो याद रखिएगा फ्रेंजिक एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है और इसको आपका कहां पर इस बार कंडक्ट किया गया था ठीक है इतने जानकारियां आपके पास रहेंगी तभी आप अपने आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाओगे आगे बढ़े ओमकार समझ में आ रहा है कि नहीं देवप्पा अरे उदय नारायण भी है क्लास में वाह चलिए जूम वाली क्लास होती तो मैं उदय नारायण को जरूर गाने को कहता अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट इवेंट पर इसका नाम है आपका एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस ट्वेंटी थ्री तो इस मार्च के मंथ में काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है काफी इंपॉर्टेंट डिफेंस डील आपकी रखी गई है तो देखिए पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 23, जिसको आपका गल्फ रीजन में 26 फरवरी से लेकर 16 मार्च के बीच में आपका कंडक्ट किया गया था जिसमें टोटल 50 नेशंस और उनकी इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज ने आपका पार्टिसिपेट किया हुआ है ठीक है जिससे कि वो अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस कर पाएँ और अपने रीजन को जो है आपका मैरीटाइम कॉमर्स के पर्पज से और भी सिक्योर कर सके तो देखिए इंडियन नेवलशिप ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें आपका ऑपरेशन सी वर्स सेकेंड भी आपका कंडक्ट हुआ और हमारे इंडियन नेवी की तरफ से आई एन एस त्रिकण ने इसमें आपका पार्टिसिपेट किया है तो याद कर लीजिए ठीक है ये लार्जेस्ट आपकी एक्सरसाइज है जिसको कटलस के नाम से जाना जाता है और इंडियन नेवी की आ, ने की आपकी आइन एस के द्वारा इसमें आपका पार्टिसिपेट किया गया था नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी किससे संबंधित है एक्सरसाइज से तो देखिए बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है वाह। ओके वन मिनट हेलो हेलो अब क्लियर है? हेलो अभी भी आपकी बैकग्राउंड वाइस आ रही है नॉइस आ रही है क्लियर है ना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम सभी और एक्सरसाइज खंजर 2023 के बारे में बात कर लेते हैं आज की ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है ना बस कल से अप्रैल है और बच्चों ये तारीख तो आप कभी भूलोगे नहीं आने वाले पंद्रह दिनों के लिए सिक्सटीन अप्रैल एन डी सी का एग्जाम तो अच्छे तरीके से मार्च तक आप अच्छा पढ़ लीजिए ठीक है अब आने वाले जो पंद्रह दिन हैं आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते जाइए आप सभी और आप एक अच्छा स्कोर करोगे ना अगर हम देखें करंट अफेयर के क्वेश्चंस चाहे वो प्रतीक सर वाले हों मेरे हों तो करंट अफेयर का टोटल मिलाकर सीडीएस में देखो तो आपका बीस से पच्चीस के बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एनडीए में ये आपका लगभग पंद्रह से अट्ठारह रहता है तो काफी इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर की और एक एक क्वेश्चन की कीमत तो आप सभी जानते होंगे ना माइनस मार्किंग बिल्कुल भी आपको नहीं करनी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज खंजर की तो इस बार इसका टेंथ एडिशन इंडियन आर्मी और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बीच में आपका किर्गिस्तान के तोकमोक में कंडक्ट किया गया और सेवेंथ मार्च को जो है आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हुई है तो इसका इस बार कौन सा एडिशन किया गया है टेंथ एडिशन आपका किया गया है जिसमें काउंटर ना डेमोक्रेटिक आइडियल्स इन सभी को इसमें आपका तरजीह दी गई और इनको आपका बढ़ाया गया है इस एक्सरसाइज की शुरुआत दोनों देशों के बीच में सन 2011 से आपकी शुरुआत हुई थी चलिए अगला आपका इवेंट नारी शक्ति से संबंधित है इंडियन एयरफोर्स अपॉइंट्स ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी एज फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑफ कॉम्बैट यूनिट तो देखिए इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी ने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न सेक्टर में ठीक है आपकी अपॉइंटमेंट ले ली है और ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमांडर बन गई है जो कि कॉम्बैट यूनिट में जो है आपकी अब कमांड करेंगी ग्रुप कैप्टन धामी जो है 2003 में एज अ हेलीकॉप्टर पायलट आपकी कमीशन हुई थी इनके पास 2800 एट हंड्रेड का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और ये क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं साथ ही साथ इन्होंने फ्लाइंग कमांडर ऑफ फ्लाइट कमांडर ऑफ अ हेलीकॉप्टर यूनिट वेस्टर्न सेक्टर में आपका काम भी किया है तो इनके इतने आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए भारतीय वायुसेना के द्वारा इनको पहला कमांडर कॉम्बैट यूनिट का वेस्टर्न सेक्टर की तरफ आपका बनाया गया है अब चलिए मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कि ग्रुप कैप्टन रैंक इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के किस रैंक के रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस सिक्स हंड्रेड सिक्स करोड़ रुपीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिक्स ड्रोन ईयर टू टू एट एयरक्राफ्ट तो देखिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा टोटल छ ड्रोन टू टू एट एयरक्राफ्ट की आपकी डील कर ली गई है और ये डील इन्होंने किसके साथ की है एयरक्राफ्ट भारत में कौन सी कंपनी बनाती कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो हम सभी जानते हैं कि ये हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है और जो टोटल छे आपके ये बनेंगे एयरक्राफ्ट उनकी कॉस्ट सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन करोड़ रुपीज आपकी आएगी और इस एयरक्राफ्ट का बेसिकली यूज इंडियन एयरफोर्स रूट ट्रांसपोर्ट रोल और कम्युनिकेशन ड्यूटी के लिए आपका किया करती है जो कि हमारे भारतीय वायुसेना को आने वाले समय में और भी सर्व करेगी नेक्स्ट इवेंट हमारा एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 23 इंडियन नेवी इज लार्जेस्ट वॉर गेम तो देखिए भारतीय वायुसेना का भारतीय नौसेना का सबसे बड़ी एक्सरसाइज का नाम है ट्रोपेक्स एक्सरसाइज और इस बार इस एक्सरसाइज को 22 मार्च 2023 में अरबियन सी में आपका कलमिनेट किया गया ये एक्सरसाइज भारत के पूरे समुद्री सीमा में कंडक्ट की जाती है हम सभी जानते हैं ना कि आपका ये है और इधर आपका अरबियन सी नीचे आपका इंडियन ओशियन और इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल तो तीनों जगह यहाँ पर आपकी कंडक्ट हुई और 22 मार्च को इसको खत्म आपका किया गया इस एक्सरसाइज के साथ आपकी सी विजिल एक्सरसाइज भी कलिमिनेट आपकी हुई थी एक्सरसाइज इम्फेक्स को भी आपका किया गया था इस एक्सरसाइज में भारतीय थलसेना भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल इंडियन नेवी के साथ आपका इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो यहाँ से क्वेश्चन बड़ा बनता है ठीक है एक्सरसाइज ट्रोपेक्स है क्या कहाँ पर हुई कब हुई इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी आपकी फोर्सेस ने पार्टिसिपेट आपका किया हुआ है चलिए सेट इन द इंडियन ओशन इंक्लूडिंग अर्बियन सी एंड ऑफ बंगाल दिएटर ऑपरेशन फॉर द एक्सरसाइज एक्सटेंडेड अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी थ्री हंड्रेड नॉटिकल साउथ अपर्टी फाइव डे ना ये आपका लेटीट्यूड इसमें बताया गया हुआ है अगला आपका जो इवेंट है वो वर्ल्ड पुलिस समिट से संबंधित है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जो भी बच्चे डेली बेसिस पे आ रहे हैं क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा तो देखिए वर्ल्ड पुलिस समिट होस्टेड बाय दी दुबई पुलिस और ये एग्जीबिशन आपका दुबई में यूनाइटेड अरब इमिरेट के द्वारा आपका आ, किया गया जिससे कि हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर सकें और क्राइम को प्रिवेंट कर पाए साथ ही साथ ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो है इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकें जिससे कि वो अपने क्षेत्र में अपने एरिया में जो है क्राइम को पहले से कर्व कर सके ना और इस आपके समिट में क्राइम इंफॉर्मेशन मार्केट स्टैटिक्स टेक्निकल सोल्यूशंस सर्विसेज टू इनहेंस द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट इन सभी बातों पर आपका बात किया गया है ठीक है तो वर्ल्ड पुलिस समिट इनके द्वारा आपकी होस्ट की गई है यूनाइटेड अरब इमिरेट के द्वारा जो है अंडर कवर पुलिस व्हीकल भी आपका लॉन्च किया गया जो कि एक कस्टमाइज आपकी एक, एक, एक एनहेंस सर्विलांस वाली रोड सिक्योरिटी वाली आपकी व्हीकल है चलिए एक बार फिर से हम नारी शक्ति की तरफ देखेंगे और आगे बढ़ेंगे कर्नल गीता राणा बिकम्स फर्स्ट ऑफिसर टू कमांड यूनिट नियर चाइना बॉर्डर तो देखिए कर्नल गीता जो राणा है अब वो एक इंडिपेंडेंट चार्ज वाली ऑफिसर बन गई हैं ईस्टर्न लद्दाख में जहां पर वो अपने ई एम ई यूनिट को जो आपका कमांड करेंगी ई एम ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर ठीक है तो उसमें ये अभी कर्नल की पोस्ट पर हैं और इनको जो ये काम दिया गया है कि वो अपने लद्दाख की तरफ जो कि नॉर्दन बॉर्डर पे आपका सीमा है वहाँ पर सर्व कर सकें इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी बैकग्राउंड ही है इनके पिताजी जे सी यू हैं महार रेजिमेंट में और चेन्नई बेस्ड उठिए चेन्नई अकेडमी ट्रेनिंग अकेडमी से इन्होंने आपका ट्रेनिंग किया है ट्वेंटी थ्री ईयर्स का इनका एक लंबा मिलिट्री करियर रहा है जिन्होंने इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आपके वर्क प्लेसेस पे काम किया है जिसमें जम्मू कश्मीर और सिक्किम दोनों ही शामिल है अगला आपका जो इवेंट है वो टाटा और लॉक हिड मार्टिन से संबंधित है तो देखिए टाटा एंड लॉक हिड मार्टिन जेबी टू में एक फाइटर प्लेन विंग्स इन इंडिया तो देखिए ग्लोबल डिफेंस एयरोस्पेस जो प्लेयर है आपकी लॉक हिड मार्टिन वो भारत के टाटा ग्रुप के साथ इन्होंने समझौता किया है और ये अब अपने ज्वाइंट वेंचर के साथ जो है एरोप्लेन्स की वो भी फाइटर प्लेन्स की विंग्स जो हैं भारत में ही इनका प्रोडक्शन करेंगी जो कि काफ़ी बड़ी बात है भारत के लिए और टोटल आपके 29 फाइटर विंग शिप सेट्स का जो है एम दोनों कंपनी के बीच में आपका साइन किया गया है तो टाटा ग्रुप तो भारत की सबसे बड़ी आपकी ग्रुप है ना उनकी वेल्थ आप देख लो तो सबके सब पीछे हो जाते हैं सौ से ज़्यादा इनकी कंपनी है एक सौ साठ से ज़्यादा देशों में इनका व्यापार है ना और हम भी इनका नमक खाते हैं देश का नमक टाटा नमक ओके चलिए नेक्स्ट इवेंट फिर से एक बार हमारी एक्सरसाइज आ गई तो देखिए इस एक्सरसाइज का नाम है एम यानी कि मैरी पार्टनरशिप एक्सरसाइज मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज आपके इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में अभी हाल ही में टेंथ और इलेवेंथ मार्च को अरबियन सी में कंडक्ट की गई थी जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से हमारी आईना शाहयादरी ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया ओके द एक्सरसाइज विटनेस वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इविलेशन एट सी विच इंक्लूडेड क्रॉस लैंडिंग्स

डिफेंस डील से ही रिलेटेड है ब्रह्मोस एयरोस्पेस सेट टू बैक 2.5 बिलियन क्रूज मिसाइल ऑर्डर फ्रॉम इंडियन नेवी अब भारतीय नौसेना बी ए पी एल यानी कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को टोटल 200 हंड्रेड ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो है उनके साथ डील करने वाली है और ये जो आपके ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल होंगे वो डूएल कैपेबल रोल के मिसाइल्स होंगे जिनका जिनको आपके इंडियन नेवी के फ्रंट लाइन वॉरशिप्स इक्विप किया जाएगा और भारतीय नौसेना की पावर और भी आगे बढ़ाई जाएगी बी की जो यूनिट है भारत में वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपकी सिटुएटेड है और ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज देखें तो इनकी रेंज 290 से लेकर 400 किलोमीटर तक की आती है और इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा इस मिसाइल को आपका क्रिएट किया गया है नेक्स्ट इवेंट आपका इंडियन आर्मी चेतक कोर कंडक्टेड एक्सरसाइज चेतक चौकस तो देखिए भारतीय थल सेना की जो हमारी चेतक कोर है उनके द्वारा एक्सरसाइज चेतक चौकस आपकी कंडक्ट की गई है जहां पर और ये याद रखिएगा ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज है डोमेस्टिक एक्सरसाइज ठीक है मैंने बताया ना आपको देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज द फर्स्ट वन इज इज डोमेस्टिक दूसरा बाइलेटरल और तीसरा आपका ट्राइलेटरल और या फिर आप कह लो इसी में मल्टीलेटरल होती है ठीक है तो ये भारत में ही चेतक कोर के द्वारा एक्सरसाइज चेतक चौकस जो है आपकी कंडक्ट की गई साउथ वेस्टर्न कमांड के द्वारा जहां पर इन्होंने अपने ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को आपका इवेल्युएट किया और बैटल रिस्ट आपकी कैसे कंडक्ट हो उसमें पार्टिसिपेट किया इसमें इंडियन आर्मी की डेजर्ट कोर ने भी आपका पार्टिसिपेट किया हुआ था चलिए एक बार फिर से एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं तो देखिए इतनी ज्यादा आपकी एक्सरसाइज इस बार हो रही है मार्च के मंथ में कि पूछिए ना और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं ना और जिनको पूरे वीडियोस देखने हैं हमारे एक्सरसाइज के वो एसएसबी क्रैक एग्जाम के डिफेंस करंट अफेयर चैनल बाई एस एस बी क्रैक एग्जाम पे चले जाएं वहां पर आपको डिफेंस से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है इवेंट्स हैं उनको आपको वीडियो मिल जाएगी ठीक है और पीडीएफ लेने के लिए हमारे ब्लॉग चैनल पे आप चले जाइएगा तो देखिए लाउस इस एक्सरसाइज का थर्ड एडिशन अभी हाल ही में तेरह और चौदह मार्च को हिंद महासागर में वैलिडेट किया गया इस एक्सरसाइज को फ्रेंच नेवी के द्वारा होस्ट किया जाता है और इस बार की एक्सरसाइज में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी फ्रेंच नेवी भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस ने आपके यूके की नेवी और अमेरिकन नेवी के साथ आपका पार्टिसिपेट किया है ठीक है तो ये एक आपकी बाइनियल एक्सरसाइज है लापी राउस जिसको फ्रेंच नेवी आपकी हर आ, आपकी कंडक्ट किया करती है होस्ट किया करती है तो इस बार आपकी ये कहां पर हुई है इस एक्सरसाइज को इंडियन ओशन रीजन में आपका कंडक्ट किया गया है अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से कौन सी शिप्स गई हैं, तो देखिए हमारी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और हमारी फ्लीट टैंकर आई ज्योति ने इस एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट किया सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं कि सब बैठे हुए हो बताओ आर टैंक धनेन्द्र अनुभव अंकुर अभिशा रितिका आशुतोष जहां पे ना समझ में आए तो वहां पे जरूर पूछिएगा कोई भी दिक्कत हो पूछिए आप सभी ठीक है और सिर्फ रिवीजन में करा रहा हूं आपको जितना मंथली मैंने आपको पूरा हर डेली बेसिस पे पढ़ाया है उनके टॉप इवेंट्स को टॉप थर्टी इवेंट्स को मैं लेकर आपके सामने आया हूं जहां पर आप अच्छे तरीके से उनको रिवाइज कर सके और ये भी जान सकेंगे कि, कि किस इवेंट से कैसे क्वेश्चन आपके बन पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से देखिए एक बार फिर से एक्सरसाइज आ गई बाप रे कितनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र ट्वेंटी थ्री तो देखिए इस एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में आपका कंडक्ट किया जाता है और इस बार इस एक्सरसाइज की थर्टीन एडिशन दोनों देशों के बीच आपकी कंडक्ट की गई इट इज अ टाइप ऑफ अटल एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्मी एंड इन दिस ईयर बिटवीन सिक्स टू थर्टी मार्च दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन जोधपुर मिलिट्री स्टेशन भारत राजस्थान ठीक है वेरी गुड अनन्नया वेरी गुड नोट्स बनाते रहो सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए थोड़ा जो मेरा विजुअल है वो आपका अटक रहा है ना कोशिश करूंगा कि अब मैं जूम से ही आपको जो है पढ़ाऊं चलिए देखते हैं उस पर भी और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्सरसाइज बोथ आर्मीज पार्टिसिपेटेड इन अ कमांड पोस्ट एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व बटालियन एंड ब्रिगेड लेवल प्लानिंग एलिमेंट्स तो पहली बार जो है आपकी बटालियन और ब्रिगेड लेवल की प्लानिंग एक्सरसाइज की गई और जब भी भारतीय भारत और सिंगापुर के बीच आपका कोई एक्सरसाइज की जाती है उसमें कंप्यूटर वॉर गेमिंग आपका जरूर रहता है आप जब भी ट्विटर पे जाओगे ना तो ये आपके कंप्यूटर वॉर गेम जरूर करते हैं आप भी जैसे एयरफोर्स नेवी आर्मी में जाओगे तो जब आप एक्सरसाइज जाओगे तो देखोगे तो आपको एक बड़े से वॉर गेम में ले जाएंगे वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होंगी आपके हाथ में इक्विपमेंट्स दे देंगे ना आपको एक टास्क दे देंगे कि चलो इसको करो जैसे एस एस बी इंटरव्यू में हम जाते हैं ना आपका जो आउटडोर ग्रुप टास्क होता है उसमें आपका जी टी ओ कहता है ना दीज आर सिचुएशन दीज आर दी रूल्स एंड यू हैव टू कम्प्लीट द टास्क इन अ गिवन टाइम उसी तरीके से आपकी इस कंप्यूटर वॉर गेमिंग को भी कंडक्ट किया जाता है चलिए इस एक्सरसाइज में सिंगापुर की बटालियन ने पार्टिसिपेट किया और भारतीय थल सेना की तरफ से हमारी आर्मर ब्रिगेड ने आपका पार्टिसिपेट किया हुआ है चलिए और इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2005 से दो दोनों देशों के बीच आपकी की गई है नेक्स्ट इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इस इवेंट का नाम क्या है इस आपका न्यूज है सिप्री रिपोर्ट याद कर लीजिए अच्छे तरीके से सिप्री जिसका फुल फॉर्म स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है स्वीडन बेस्ड आपकी संस्था है एक इंडिपेंडेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनुअल एनुअली आपकी आर्मामेंट्स नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिलिट्री स्ट्रेंथ पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश किया करती है तो 2023 की रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है और कहा है कि इंडिया रिमेन द वर्ल्ड टॉप आर्म्स इंपोर्टर ओके दो हजार तेरह से सत्रह सत्रह से तेरह से सत्रह और 18 से बाईस के बीच में भारत जो है आपका वर्ल्ड टॉप आर्म इंपोर्टर बना हुआ है लेकिन भारत ने इसी बीच इलेवन परसेंट की डिक्लाइन की है अपने आर्म्स इंपोर्ट में तो ये काफी अच्छी बात है और मेनली हमने देखा है कि दो के बाद से दो हजार बीस में हमने काफी निर्भरता दूसरे देशों से कम की हुई है ठीक है और भारत खुद से अपने प्रोक्यूरमेंट्स बना रहा है टॉप फाइव आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड की हम लिस्ट देखें तो पहले नंबर पर कौन है भारत दूसरे पर सऊदी तीसरे पर कतर, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया पांचवें पर एशिया ठीक है अग, अगर हम एशिया से देखें तो आपका एक दो तीन चार चार कंट्रीज तो एशिया की हैं ठीक है और ओशिनिया की एक कंट्री ये सभी आपके टॉप फाइव आर्म्स इम्पोर्टर ऑफ द वर्ल्ड है अगर हम एक्सपोर्टर देख लें तो एक्सपोर्टर में तो सबको पता रहता है पहले पे अमेरिका अमेरिका का काम ही यही है ना बम बं बंदूक बेचना और सब जगह लड़ाई झगड़ा करवाना दूसरे पर रशिया तीसरे पर फ्रांस अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि चौथे पर चाइना भी है ये मंगाता भी है और बेचता भी है टॉप फाइव में दोनों जगह आपका चाइना है और पांचवें पे आपका जर्मनी है ठीक है अमेरिका वर्ल्ड का फोर्टी परसेंट आम्स आपका एक्सपोर्ट करता है वहीं रशिया आपका सिक्सटीन परसेंट करता है अमेरिका की बढ़ोतरी आपके काफी देखी गई लेकिन रशिया की पिछले दो सालों में जो आम एक्सपोर्ट में कमी देखी गई है ठीक है अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें ऐसा तो हो नहीं सकता है क्यों तो देखिए पाकिस्तान द वर्ल्ड एर्थ लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर ड्यूरिंग एटीन टू ट्वेंटी ना तो देखिए घर में नहीं है दाने अम्मा चलिए बनाने तो यही हाल जो है पाकिस्तान का है पाकिस्तान वर्ल्ड का आठवें नंबर पे आर्म्स इम्पोर्टर है और इन्होंने अपनी चौदह परसेंट आर्म्स की इम्पोर्ट इंक्रीज की है सबसे मेन इनका जो सप्लायर है वो चाइना ही है ओके फ्रांस के आर्म्स एक्सपोर्ट में फोर्टी फोर परसेंट की ग्रोथ देखी गई है है ना और इनके मेन जो है आपके एक्सपोर्टिंग जो हम कह सकते हैं कि इनके जो जहाँ पर ये बेचते हैं वो एशिया ओशिनिया और आपका ईस्ट के कंट्रीज हैं द रिपोर्ट सेट इंडिया रिसिव थर्टी परसेंट ऑफ फ्रांस आर्म्स एक्सपोर्ट भारत आप भारत फ्रांस से अब अपने थर्टी परसेंट आर्म्स एक्सपोर्ट मतलब कर रहा है इंपोर्ट करवा रहा है यूएस आपका सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है ठीक है ऑफ आर्म्स टू इंडिया आफ्टर द रशिया तो देखिए अभी तक क्या था रशिया के बाद अमेरिका था हमारा लेकिन अमेरिका को अब किसने रिप्लेस कर दिया फ्रांस ने रिप्लेस कर दिया है तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्री कौन हो गई है फ्रांस आपकी हो गई यानी कि सबसे ज्यादा हम उन्हीं से मंगाते हैं इसके अलावा ये कहा गया कि इस रिपोर्ट में कि अमेरिका ने अपने आ, आ, ग्लोबल आम के एक्सपोर्ट को 33 से 40 परसेंट इंक्रीज किया है वहीं रशिया आपका पहले 22 परसेंट एक्सपोर्ट करता था अब 16 परसेंट कर रहा है तो रशिया के भारी कमी आपकी देखी गई है और टॉप टेन इंपोर्टर्स में मिडिल लिस्ट की आपकी तीन कंट्रीज आती हैं सऊदी अरबिया कतर आपका इजिप्ट आपकी आती है और सऊदी अरबिया सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से याद हो गई होंगी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ ऑफ पावर टेक कंडक्टेड ऑन तेजस तो देखिए ये टेक्नोलॉजी आपका इक्विपमेंट है जिसका नाम है पावर टेक ऑफ ठीक है पीटीओ अब इसको जो है सक्सेसफुली हमारे एल सी तेजस एयरक्राफ्ट में आपका लगाया गया है और ये एक प्रकार का एयरक्राफ्ट इंजन का गियर बॉक्स है जैसे हमारे गाड़ियों में गियर बॉक्स होता है ना एक दो तीन चार करने वाला उसी तरीके से आपका ये है तो अब अभी तक हम क्या करते थे दूसरे देशों से अपना गियर बॉक्स मंगाते थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेकिन अब डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को आपका डेवलप किया है ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन थ्री एयरक्राफ्ट की आपकी सीरीज थी और इस प्रकार से अब डी ने ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस टेक्नोलॉजी में आपका प्राप्त कर लिया है और इसको हमारी चेन्नई बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट जो कि डीआरडी की संस्था है उनके द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है ठीक है चलिए सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते जाइए यह क्लास इंपॉर्टेंट है इस क्लास को आप खूब जमकर शेयर भी करिएगा फोर्थ एडिशन आपका कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के साथ वैलिडेट किया गया है इस एक्सरसाइज को 14 मार्च से 16 मार्च के बीच में आपका कंडक्ट किया गया और इस एक्सरसाइज की आपकी फोर्थ एडिशन इस बार आपकी हुई थी ठीक है अब आवाज आ रही है ना आप सभी को चलिए अपार्ट फ्रॉम द इंडियन कोस्ट गार्ड मेंबर्स ऑफ नेशन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव श्रीलंका मालदीव मॉरिशस इन सभी की नेवी ने बांग्लादेश और जो शेशल्स हैं ना ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं इनकी नेवीज ने भी आपका पार्टिसिपेट किया कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया और टेबल टॉप एक्सरसाइज को जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स रच सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आपका कंडक्ट किया जाता है और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की फॉर्मेशन 2011 में एज ए ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की गई थी और इस आपके ग्रुप में भारत श्रीलंका मालदीव आपके शामिल थे और बांग्लादेश और सेशल्स इसमें जो है आपके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं तो इतनी बातें आपको पता रहनी चाहिए एक बार फिर से हम अपने अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन ट्वेंटी थ्री तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक नेवल एक्सरसाइज है जिसको हर साल अमेरिका के द्वारा होस्ट किया जाता है इस बार इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी ने आपका पार्टिसिपेट किया ये एक्सरसाइज अमेरिका के गुआम बेस में आपके कंडक्ट की गई और इस बार इसका थर्ड एडिशन आपका वैलिडेट किया गया है जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर से रिलेटेड ऑपरेशंस को इसमें किया गया यह एक्सरसाइज 15 से लेकर 30 मार्च तक आपके कंडक्ट हुई ठीक है यानी कि कल ही इस एक्सरसाइज को आपका वैलिडेट आपका किया गया है इसमें ए एन टी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स आपकी हुई है नेक्स्ट इवेंट फिर से एक्सरसाइज से संबंधित है एक्सरसाइज अल मोहित अल हिंदी ट्वेंटी थ्री तो देखिए अभी हाल ही में इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच में मुंबई में मीटिंग की गई जहां पर इन्होंने ये अपने आने वाली अल मोहित अल हिंदी एक्सरसाइज को वैलिडेट करवाया और कहा कि ये एक्सरसाइज अब हम जल्द ही मई 2023 में सऊदी अरबिया के प्रोविंस में आपका कंडक्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी दूसरी एडिशन इसकी होगी जिसको मई में आपका वैलिडेट करवाया जाएगा इसका पहला एडिशन अगस्त ट्वेंटी में आपका कंडक्ट करवाया गया था तो ये आपको याद रखना है सऊदी अरबिया के साथ एकमात्र हमारी एक्सरसाइज कौन सी है अलमोहित अल हिंदी है, ठीक है और 2019 में रियाज समिट में आपका ये डिस्कशन हुआ था कि अब सऊदी अरबिया और भारतीय नौसेना एक साथ जो है बायोलिटल एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे जिसका नाम अलमोहित अल हिंदी एक्सरसाइज रहेगा। नेक्स्ट आपका इंडिया अप्रूव कैपिटल एक्विजीजन ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर वर्थ सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर करोड़ रुपीज तो देखिए अभी भारत सरकार के द्वारा जो है इंडीज मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट जिनकी टोटल वर्थ साढ़े सत्तर हजार करोड़ रुपीज़ है ना ये मेगा प्रोक्योरमेंट है अब इनकी जो है अपनी तरफ से मंजूरी दे दी गई है और डिफेंस काउंसिल एक, डिफेंस एक्विजीजन काउंसिल रक्षा अधिग्रहण समिति कमेटी जिसको जो है आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेड करते हैं इनके द्वारा इसकी अप्रूवल दी गई है जिसमें फिफ्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज आपके इंडियन नेवी को दिए गए हैं जिससे कि वो अपने ब्रह्मोस मिसाइल शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को आपका डेवलप कर सकें इंडियन आर्मी आपकी 155 फिफ्टी 52 कैलिबर की ए टी ए जी एस टोटल थ्री आपकी गन्स को प्रक्योर करेगी इसी आपके डील में कहा गया है और हमारी भारतीय सेनाएं कैसे इससे और भी मजबूत हो पाए उस पर बात की गई है चलिए नेक्स्ट इवेंट हमारे से रिलेटेड है तो देखिए मार्च को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कलर अवार्ड द्रोणाचार्य को आपका दिया गया आइन द्रोणाचार्य जो कि केरल के कोची में एक आपका नेवल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर हमारे जितने भी कैडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग आपकी कराई जाती है इसके अलावा इन्होंने आपका आई विक्रांत पर भी गई और वहां पर जो उन्होंने आई विक्रांत की ताकत देखा नेक्स्ट इवेंट आपका एक्सरसाइज एफी इंडेक्स 23 तो देखिए आर्मीज ऑफ 25 अफ्रीकन कंट्रीज अटेंडेड दी इंडिया अफ्रीका चीफ कॉन्क्लेव इन पुणे ऑन मार्च 28 इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है अफ्रीका इंडिया डिफेंस एक्सरसाइज का नाम है और इस एक्सरसाइज के अलावा इसमें चीफ कॉन्क्लेव भी आपका अभी कंडक्ट करवाया गया है जिसमें अफ्रीका के टोटल ट्वेंटी फाइव कंट्रीज ने इस बार के एक्सरसाइज में आपका पार्टिसिपेट किया हुआ है तो देखिए अफ्रीका की तरफ से नाइन कंटिजेंट सेवेंटी एट पर्सनल्स ठीक है जिसमें आपका इथोपिया घना केनिया लेस्यो नाइजर शशल्स तंजानिया युगांडा जाम्बिया ये सभी मौजूद थे अन अदर इलेवन कंट्रीज है इसमें बोत्सवाना कैमरून कॉन्गो इजिप्ट इत्सवानी स्वाजीलैंड मलावी ये सभी आपके इस एक्सरसाइज में एज अ ऑब्जर्वर आए हुए थे ठीक है चलिए अगला इवेंट हमारे सीआरपीएफ डे से संबंधित है तो सीआरपीएफ डे नाइनटीन जुलाई को आपका मनाया जाता है और इस बार इन्होंने अपनी एट्टी एनिवर्सरी आपकी मनाई है पहले देखिए इनका फॉर्मेशन आपका ट्वेंटी जुलाई को किया गया था लेकिन जो है नाइनटीन मार्च को अब जो है इनको मनाया जाने लगा क्योंकि इसी दिन जो है जो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे उनके द्वारा जो है इनको आपका प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सीआरपीएफ को दिया गया था तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी जरूर आंसर दीजिएगा नेक्स्ट इवेंट फिर से एक्सरसाइज आ जाती है जिसका नाम है पासक एक्सरसाइज तो इस बार पासक एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और इजिप्ट की नौसेना के बीच में आपकी पोर्ट साइड इजिप्ट में करवाई गई सिक्सटींथ मार्च को जिसमें इंडियन नेवी की आईन सुविधा ने आपका पार्टिसिपेट किया था चलिए फिर से नेक्स्ट इवेंट हमारा लॉन्च ऑफ ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर ओमकार रितिका बाउंसर तो नहीं जा रहा है आप सभी के समझ में आ रहा है ना थक तो नहीं गए कोई बताते रहे ना मुझको ठीक है चलिए सेकेंड जीरो एट इंटू ए एस डब्ल्यू शेलो वॉटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट बींग बिल्ट बाई गार्डन रीबुलियर्स फॉर इंडियन नेवी लॉन्च ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च तो देखिये इस शिप को जो ए एस डब्ल्यू का मतलब होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाली शिप जिसको भारत की कंपनी जी आर एस सी ने आपका बनाया है और इसको इक्कीस मार्च को कोलकाता के हुगली नदी पर आपका लॉन्च करवाया गया अंद्रोत के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसका नाम अंद्रोत है तो उसी नाम पर जो है इसका नाम आइनस अंद्रोत आपका रखा गया है 80% परसेंट आपका ये इंडिजीनियस कंटेंट से इस एंटी सबरीन वॉरफेयर शिप को आपका बनाया गया है ठीक है ठीक है चलिए अच्छी बात है फिर से देखो एक्सरसाइज आ गई रे कितनी एक्सरसाइज है ना आपकी कॉपी भर गई होगी तो एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज कोंकण सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ठीक है इस एक्सरसाइज को इंडियन नेवी और रॉयल नेवी रॉयल नेवी का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम की नेवी के बीच में 20 से 22 मार्च के बीच में कंडक्ट करवाया गया और कहां पर हुआ ये आपके अरेबियन सी के कोंकण कोस्ट में हुआ तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है एक्सरसाइज इस बार के इस नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से आईनएस त्रिशूल ने पार्टिसिपेट किया जो कि ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन इस एक्सरसाइज में आपका कंडक्ट किया चलिए नेक्स्ट इवेंट हमारे डिफेंस डील से संबंधित है तो देखिए इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ टोटल थर्टी सेवन हंड्रेड करोड़ रुपीज की डील आपके की है और इस डील में कुल दो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साइन किए गए हैं ठीक है जिसमें आपका रडार्स और रिसीवर्स आपका शामिल है अब मैं जैसे बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा हाँ सर आपने पढ़ाया था तो जो आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्वेंटी एट हंड्रेड करोड़ रुपीज का है जिसमें एम पी आर आरुद्र एम पी आर का फुल फॉर्म होता है मीडियम पावर रडार इसको आप प्रोक्यूर किया जाएगा और दूसरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टॉस उसकी कॉस्ट 950 करोड़ रुपीस रखी गई है जिसके तहत टोटल एक सौ 118 डी आर वन वन एट रडार वार्निंग रिसीवर्स आपके बी के द्वारा डेवलप किए जाएंगे और ये जितने भी आपके प्रोक्योरमेंट है वो सभी बाई इंडिया कैटेगरी के, के द्वारा आपकी की जाएगी बात कर लेते हैं एमपीआर रडार की तो देखिए एमपीआर आरुद रडार जो है उसको डिजाइन और डेवलप भारत में ही आपका डीआरडीओ ने किया है और इस टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने किसको दे दिया है आपके बी को दिया गया है 360 डिग्री आपको रोटेट कर सकता है इसको आप प्लेन पर और माउंटेन पर लगा सकते हैं ओके अगला आपका इंडियन आर्मी एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट ड्रिल वायु प्रहार याद कर लो भाई वायु प्रहार वायु में प्रहार तो भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न कमांड की तरफ आपका इस एक्सरसाइज को वेलीडेट किया जहां पर इन्होंने आपके 96 सिक्स आवर्स यानी कि चार दिन से भी अधिक की इस ऑपरेशन को ईस्टर्न थिएटर में आपका कंडक्ट करवाया और इंडियन आर्मी की तरफ से हमारी स्पेशल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया चलिए इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे प्रेजेंट्स प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स टू आर्मड रेजिमेंट तो देखिए हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे ने ट्वेंटी फिफ्थ तो मार्च को भारतीय थल सेना के चार रेजिमेंट्स फोर्टी नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर आर्मर रेजिमेंट को आपका जो है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित किया है राजस्थान के सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन पे ठीक है और ये दिखाता है कि हमारी जो आर्मड रेजिमेंट है वो अपने रिच लेगेसी लेगेसी वेलर को कैसे आपका डिस्प्ले करती है चलिए यहां तक थे हमारे टॉप थर्टी इवेंट्स अब हम बढ़ते हैं आगे आप सभी डिफेंस एस एस बी क्रैक एग्जाम के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें दीज आर दी कोर्सेज विच आर रन वायद एस बी क्रैक एग्जाम लाइक एस एस बी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स एनडीए सीडीएस एमएस एंड टेरिटोरियल आर्मी बंडस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं अपने एनडी सी डी एस के एग्जाम के पहले एनडी और सी डी एस की टेस्ट सीरीज आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए प्राइस काफी अफोर्डेबल है इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे ब्लॉक टेलीग्राम चैनल पर जाके ले पाएंगे वॉरियर टेन कोड का जरूर यूज करें जिससे कि आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा अब मेरे ख्याल से आप सभी आज के रिव्यू क्वेश्चंस के लिए तैयार होंगे इफ यू आर रेडी देन कमेंट यस सर वी आर रेडी विथ आवर फुल जोश एंड एनर्जी तो पहला क्वेश्चन आपके लिए विच कोर ऑफ इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज तारा शक्ति डिफेंस सिक्योरिटी कोर राइजिंग स्टार गनर्स चिनार कोर या फिर आपका इनमें से कोई नहीं और क्लास को सभी लाइक और शेयर भी करते जाओ ठीक है

एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द थीम ऑफ द नेशन साइंस डे ट्वेंटी थ्री इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल फ्यूचर फ्यूचर फॉर एस टी आई इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क या फिर नन ऑफ देव साइंस डे आपका बताइए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलमिंग ठीक है अट्ठाईस फरवरी को हम मनाते हैं ना रमन इफेक्ट के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एस टी टी फोर जीरो फोर्टी इज अ बेसिक ट्रेन एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर या फिर नन ऑफ द एब

राइट आंसर इज दी एंड है तो देखिए एक नई आपकी डील भी हुई है अब इसको के द्वारा इस आपके शिप्स को बनाया जाएगा। एक्सरसाइज शीन्यू मैथ्री कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कतर ओमान जापान मालदीव एक्सरसाइज शीन्यू मैथ्री भारत और किस देश के बीच में कंडक्ट होती है राइट आंसर इज ऑप्शन बी दट इज दी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर थर्ड ने आपको पार्टिसिपेट किया था जापान के कोमा अब इसका आंसर तो मैंने दे ही दिया है न तो चलिए अगला क्वेश्चन हु इज द करेंट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंटरल बी एस राजफ्टिनेट एम वी सचिंद्र कुमार वी के सिंह या फिर नन ऑफ द लगातार आप सभी के आंसर आते रहने चाहिए और अपना आप सभी वो रिपोर्ट कार्ड बनाते रहिए ना इतने क्वेश्चंस इतने मैंने सही किया है एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार इन्होंने किसको रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू को अब ये शप्त शक्ति कमांड जयपुर के आपके कमांडेंट बने हुए हैं द फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट in indian air force inventory was inducted in which year 53 63 73 yafir 83 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज द इंड ईयर ऑफ 1963 60 साठ साल इनको पूरे हो चुके हैं मिक 21 की नंबर 28 की स्क्वाडन है एक्सरसाइज फ्रिंज एक्स 23 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कतर ओमान यूएई फ्रांस राइट आंसर इज ऑप्शन डी फ्रांस कहां पर कंडक्ट हुई ये आप मुझको बता दो फ्रेंज एक्सरसाइज कहां पर हुई है अगला क्वेश्चन नेशनल सेफ्टी डे 23 थ्री ऑब्जर्व ऑन थर्ड मार्च फोर्थ फिफ्थ या फिर सिक्स मार्च एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फोर्थ मार्च और इस बार का नेशनल सेफ्टी डे का थीम क्या रखा गया था आवर एम जीरो बाकी एक्सरसाइज आपके पैंगोड़ी स्टेशन आपके तिरुवंतपुरम में कंडक्ट की गई थी विच ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी पोस्टेड एज मेडिकल ऑफिसर विद पैराशूट रेजिमेंट कैप्टन शिवा चौहान कैप्टन दीक्षा कैप्टन दिव्या नन ऑफ दिव्यांग And the right answer is option B. Captain Deeksha. Indian Air Force appoints Group Captain as first female commander of her combat unit. Amrita Lokhande, Shalja Dhami, Bhavna Kant, none of them.

एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रामचंद्र पौडेल ठीक है और विद्या देवी भंडारी आपके दो टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट थी लेकिन नेपाल में आपका ये प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन का 2008 में जब वो लोकतंत्र बने थे कि प्रेसिडेंट दो दो टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट कोई नहीं रह सकता वर्ल्ड पोलिस समिट हेल्ड एट वेयर अमेरिका फ्रांस यूएई या फिर कतर एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट के दुबई शहर में वर्ल्ड पुलिस समिट को आपका ऑर्गेनाइज किया गया था हु इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड आर्मी यूनिट नियर चाइना बॉर्डर इन लद्दाख कर्नल गीता राणा कर्नल आर्या राव कर्नल गीता राय या फिर नैन ऑफ देव एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्नल गीता राणा ठीक है से आपकी आती है लद्दाख में इनको पोस्ट किया गया है विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन कटलस एक्सप्रेस 2023 ट्वेंटी थ्री द्रोणागिरी त्रिकंड लगातार आप सभी आंसर बताते रहे हैं अपने

फ्रांस ने अगला क्वेश्चन इसी पर है कौन सा एडिशन एक्सरसाइज लीपर का इस बार कंडक्ट हुआ है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बताइए लगातार आंसर देते जाइए और आज इस क्लास को शेयर ज्यादा करिए आप सभी ओके क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है और भी बच्चे पढ़ सके and the right answer is option a that is the third edition which edition of exercise bold kurukshetra 23 was conducted 10th 11th 12th 13th और exercise बोल्ड कुरुक्षेत्र किन देशों के आर्मीज के बीच में कंडक्ट होता है ये भी बता दीजिएगा मुझे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दो हजार पांच से आपकी एक्सरसाइज एनुअली बेसिस पे कंडक्ट हो रही है इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच में इस बार इसका आपका थर्टींथ एडिशन किया गया अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट ट्वेंटी थ्री विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इन आर्म्स कतर सऊदी अरबिया भारत चाइना एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज दी भारत ओके okay? पहले पे भारत दूसरे पे आपका सऊदी सीआरपीएफ आर रेजिंग डे ऑब्जर्व ऑन सीआरपीएफ आर रेजिंग डे अब हम कब ऑब्जर्व कर रहे हैं 17, 18, 19, 20 मार्च और ये बताइए कि सीआरपीएफ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये आपकी फुल फ्लेज मिलिट्री फोर्स है या फिर पैरा मिलिट्री फोर्स है एंड द राइट आंसर इज ऑन नाइनटींथ मार्च ठीक है तो इस बार फैसला लिया गया है कि अब से हम उन्नीस मार्च को सीआरपीएफ रेजिंग डे मनाएंगे एंटी समरीन वॉरफेयर अन बिल्डअप बाई जीएसएल जी आर एस सी एच एस एल या फिर आपका सी एस एल

एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी अरेबियन सी के कोंकण कोस्ट में इस एक्सरसाइज को आपका कंडक्ट किया गया अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज कोंकण कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड कतर ओमान यूएई या फिर आपका यूके चलिए बताइए कोंकण एक्सरसाइज भारत और किस देश की नेवीज के बीच में होता है तो ये आपके रॉयल नेवी यूके के बीच में कंडक्ट किया जाता है द फर्स्ट बेस ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना या फिर नीएनएस का मतलब बांग्लादेश नेवल शिप या फिर सबमरीन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बेनस शेख हसीना मार्टायर्स डे और शहीद दिवस इज ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नान लगातार आप सभी के आंसर आते रहने चाहिए और अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए ठीक है ट्वेंटी थर्ड मार्च सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह की जो है फांसी इसी दिन आपकी हुई थी अ हेलीकॉप्टर मशीन गन यू एवं या फिर रडार इज हेलीकॉप्टर मशीन गन यू एवं रडार एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज ठीक है तो ट्वेंटी तो एट हंड्रेड रुपीज की डील मिनिस्टर ऑफ डेवर्स ने बी के साथ आपकी की है जहां पर वो

लाइव चैट में ना बताइएगा जो आपका वाला कमेंट बॉक्स होता है उसमें जरूर आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कल के नेक्स्ट सेशन में हम जरूर देखेंगे सो बिफोर यू वाइंड अप दीज आर दी कोर्सेजामबल बिफोर योर एग्जामिनेशन यू हैव टू बाई द टेस्ट एंड ऑफ डी सीडीएस विच आर वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ योर एग्जामिनेशन आ, इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे ब्लॉग टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकेंगे वॉलेट एन कोड का जरूर यूज़ करें जिससे कि आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए और आप घर बैठे हमारे कोर्सेज से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकें जय हिंद